नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क। और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री बोले 2022 में आसियान भारत की पार्टनरशिप के 30 साल पूरे होंगे, दोस्ती की इस घड़ी को सेलिब्रेट करेंगे। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का 8वां सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने के सक्षम। प्रशांत किशोर बोले बीजेपी अभी दशकों तक रहेगी मजबूत, पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं राहुल गांधी। गैंगस्टर अबू सलेम को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई जमानत याचिका। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन, विवेक देबराय करेंगे अध्यक्षता। केदारनाथ रूप में लेगा जल्द आकार, 40 मिनट में तय होगा गौरीकुंड से केदारनाथ तक का सफर। समीन वानखेड़े की पत्नी ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र, कहा एक महिला की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा, आपसे न्याय की आस। राकेश टिकैत से भिड़े हरियाणा के परिवहन मंत्री, भाजपा विधायक सीमा त्रिखा व सूरजपाल अम्मू से भी हुई तीखी बहस। डिप्टी सीएम रंधावा की बड़ी कार्रवाई, फिल्लौर हाईटेक नाके पर तैनात 3 पुलिस मुलाजिम किए सस्पेंड। चंडीगढ़ में डेंगू से हालात हो रहे बेकाबू, नहीं मिल रहे प्लेटलेट्स डोनर, ट्राई सिटी में रोजाना 200 मरीज। रांची में भी एम्स खोलने की तैयारी, जमीन चिन्हित कर मांगी गई रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के हिंसा पीड़ितों के परिजनों को भी मिलेगी SRO 43 का फायदा। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के केस में बोकरो पहुंची सीबीआई टीम, पुराने मामले से जुड़े 2 दर्जन लोगों से पूछताछ। डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से करीब 1,38,00,000 कैश जब्त। दुकानदार को मारने जा रहा आतंकी जावेद, मुठभेड़ में ढेर, बिहार श्रमिकों की हत्या में भी था शामिल। प्रयागराज शिक्षक नेता हत्याकांड में 2 आरोपितों को मृत्युदंड और 5 को उम्र कैद। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवाले को राहुल गांधी को सलाह, दलित से कर ले शादी तो दिमाग हो जाएगा स्थिर। कानपुर के ज्योति हत्याकांड में नया खुलासा, लव ट्रायंगल में युवती को उतारा गया मौत के घाट, 2 हुए गिरफ्तार। शिक्षा विभाग पर सख्त हुए डीएम, 48 शिक्षकों को निलंबित करने की तैयारी, 121 का वेतन भी कटेगा। मुख्तार अंसारी का शूटर अली शेर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, चौराहे पर की थी भाजपा नेता की हत्या।
अलीगढ़ में निजी अस्पताल के मालिक की दबंगई आई सामने। अस्पताल के मालिक ने एम्बुलेंस चालक से की मारपीट। अयोध्या में पांचवें दीपोत्सव को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। 3 नवंबर को निकाली जाएगी भव्य झांकियां। राजधानी में बेखौफ बदमाशों का बोलबाला। बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारी को मारी गोली। मैनपुरी में विकास भवन में किसानों ने किया प्रदर्शन। डीएपी की किल्लत को लेकर किसानों ने दिया धरना। संबल में ग्रामीणों को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का लाभ। खुले में रहने को मजबूर ग्रामीण। संबल में धान खरीद न होने पर किसानों में आक्रोश। कुसाई किसान ने रोड किया जाम। संबल में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का किया गया आयोजन। आउटरीच प्रोग्राम में सभी बैंकों ने लगाए अपने स्टॉल। संबल में किसान सेवा सहकारी समिति पहुंचे एसडीएम। समिति में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम। आगरा में पाकिस्तान की जीत पर मनाया था जश्न। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। आगरा विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। तार जोड़ते वक्त करंट की चपेट में आया संविदा कर्मी। अलीगढ़ में चिकित्सा कर्मियों से कराई जा रही मजदूरी। चिकित्सा कर्मियों ने किया विरोध। अलीगढ़ में 3 युवकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पशु के साथ युवकों ने किया दुष्कर्म। अलीगढ़ में परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया गंभीर आरोप। इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप। फतेहपुर में बेखौफ बदमाशों ने की लूट। सर्राफा व्यवसायी के साथ की लूट। जालौन में पुलिस टीम ने पकड़ी ब्राउन शुगर की बड़ी खेप। ट्रक में हो रही ब्राउन शुगर की तस्करी। मिर्जापुर में सप्तमी का भरत मिलाप आयोजन। पूरे शहर में जश्न का माहौल। प्रतापगढ़ में इलाज के दौरान बीएसएफ जवान की हुई मौत। पैतृक गांव पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर। रामपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। सलमान खुर्शीद व राशिद अलवी के नेतृत्व में पहुंची यात्रा। शाजापुर में 3 वाहनों में हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत। 9 हुए घायल। संबल में दबंगों ने मंदिर पर बरपाया कहर। विरोध करने पर दबंगों ने साधु को धमकाया। मथुरा में दीपोत्सव मेले का आयोजन। कैबिनेट उदरामूर्ति ने किया उद्घाटन।
कानपुर में बीटी हवेली गांव में चली गोली, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली, संपत्ति विवाद में चली गोली, घटना के बाद आरोपी फरार। अमेठी में सड़क किनारे सो रहे मछुआरों को सीमेंट ग्राइंडर वाहन ने रौंदा, दो की मौत, एक की हालत नाजुक। पहले चरण में 5 लाख युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट, यूपी सरकार ने तेज की खरीद प्रक्रिया। मृतक आश्रितों के लिए यूपी सरकार का राहत भरा कदम, अब दूसरे विभागों में भी मिल सकेगी नौकरी। बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी, पिथौरागढ़ में भी गिरी बर्फ। हरक सिंह समेत 9 नेताओं से मिलकर विजय बहुगुणा बोले, बीजेपी में सब ठीक, हरीश रावत की बातों में ना आए। धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेसी, कहा सरकार प्राकृतिक आपदा को लेकर नहीं गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर की भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना। ऋषिकेश को जाम से मिलेगी निजात, चंद्रभागा पुल के नीचे बन रही अस्थाई पार्किंग। भाजपुर में एसडीएम व सीओ ने किया बैठक का आयोजन, आतिशबाज व्यापारियों के साथ हुई बैठक। चंपावत में लाखों की स्मैक के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान हुई तस्कर की गिरफ्तारी। पौड़ी गढ़वाल में 2 दिवसीय जनपद दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, राज्यपाल ने स्थानीय लोगों से मिलने का किया अनुरोध। हरिद्वार में देवेंद्र प्रधान को बाहुल्य समाज का समर्थन, प्रधान ने सभा को किया संबोधित। शाहपुर में आप नेता श्याम ताकी का हुआ जोरदार स्वागत, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ली आपकी सदस्यता। पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे असुद्दीन ओवैसी, दरगाह साबिर पाक पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी। लक्सर में एसडीएम ने किया धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण, किसान संघ की शिकायत पर हुई कार्रवाई। नरेंद्रनगर में भाजपा ने सम्मान और अभिनंदन समारोह का किया आयोजन, पोखरी बाजार में आयोजित किया गया समारोह। ऋषिकेश में मैराथन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता। नई टिहरी में जिला कार्यालय में हुई भाजयुमो जिला कार्यकारिणी की बैठक, बैठक में भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया प्रचंड जीत का वादा। चीन से भारी तनाव के बीच ताइवान पहुंचे अमेरिकी सैनिक, ताइवानी सिपाहियों के साथ कर रहे ट्रेनिंग। इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान, टीएलपी कार्यकर्ताओं ने AK-47 और अन्य ऑटोमेटिक हथियारों से की पुलिस पर फायरिंग।
इसराइल में पश्चिमी तट पर 3000 स्थायी निर्माण होंगे, अमेरिका हुआ नाराज, भड़क सकता है फलिस्तान। चीनी दूरसंचार कंपनी अमेरिकी बाजार से निष्कासित, 60 दिनों में चाइना टेलीकॉम को बंद करनी होगी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। चीन के सीमावर्ती शहरों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, रूस में मौतों का नया रिकॉर्ड। वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक का असर बढ़ाने का तरीका खोजा, सुपर बग्स पर काबू पाने में मिलेगी बड़ी मदद। चीन को बड़ा झटका, अमेरिका ने चाइना टेलीकॉम पर लगाया बैन। पुलिस पार्टी पर टीएलपी के हमले से भड़के शेख रशीद, पंजाब रेंजर्स को किया तलब। पेंटागन ने बताया अफगानिस्तान के हालात को लेकर फिक्रमंद है भारत। श्रीलंका में एक देश एक कानून की अवधारणा पर आगे बढ़ी बात, 13 सदस्य कार्यबल नियुक्त, कट्टर बौद्ध भिक्षु करेंगे नेतृत्व। रिटायर होने वाले इन सरकारी कर्मचारियों से होगी रिकवरी, डिपार्टमेंट ने जारी किया सख्त आदेश। संकट से भारतीय कारोबारी परेशान, पेमेंट फंसने की आशंका, कच्चे माल के लिए बीजिंग पर निर्भरता। राशन की दुकानों पर मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, केंद्र सरकार बना रही खास प्लान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ा, 7 लाख तक होगा फायदा। मंत्रालय और केंद्रीय विभाग के अधिकारियों को नकद खरीदना होगा एयर टिकट, वित्त मंत्रालय ने दिया ये बयान। रिलायंस का फैशन इंडस्ट्री में एक और कदम, ली कूपर के लिए हासिल किए भारत के ट्रेडमार्क अधिकार। प्रॉक्टर और गैम्बल बिगाड़ेगी घर का बजट, टाइट समेत सभी प्रोडक्ट्स के दाम में की 11% तक बढ़ोतरी। स्विस रे लगभग 920 करोड़ रुपए में पेटीएम इंश्योरटेक में खरीदेगी 23% हिस्सेदारी। मारुति को भारी नुकसान, दूसरी तिमाही में 66% तक घटा मुनाफा। किशोर बयानी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, रिलायंस डील पर रोक हटाने की मांग। T20 विश्व कप 2021 के लिए वेस्टइंडीज ने किया दूसरा बदलाव, दो और टीमों ने भी बदले खिलाड़ी। हरभजन बोले इमरान साहब और इन बच्चों के लिए स्कूल खोले और सिखाएं बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर को बताया जाहिल, कहा हमारी टीम जिंदाबाद थी, है और रहेगी।
वकार यूनुस के नमाज वाले बयान पर भड़का पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर, कहा नेशनल टीवी पर माफी मांगे। मैथ्यू हेडन ने कहा भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने दिखाया हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कोच पर अब पाकिस्तान की नजर, विराट कोहली के चेहरे से मिल सकती है चुनौती। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में मिली लगातार दूसरी हार, महमूद अल्लाह ने बताया खराब प्रदर्शन का कारण। स्कॉटलैंड को मिली नामीबिया से हार, रिची बोरिंगटन ने बताया कहां रह गई कमी। हार्दिक पांड्या ने शुरू की गेंदबाजी, अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया को मिली खुशखबरी। सहवाग की बड़ी भविष्यवाणी, टीम इंडिया ही जीतेगी वर्ल्ड कप का खिताब, सोशल मीडिया पर एक्टिव है सहवाग। ऋतिक रोशन ने पूरा किया विक्रम वेदा का पहला एक्शन सीक्वेंस, विक्रम बेताल की ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है ये फिल्म। पलक तिवारी के म्यूजिक वीडियो बिजली बिजली का फर्स्ट लुकआउट, बिजली बिजली 30 अक्टूबर को होगी रिलीज। कैटरीना कैफ विक्की कौशल के वेडिंग वेन्यू का हुआ खुलासा, दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी शादी। राकेश रोशन ने बताया क्रिश 4 में एक गाने को अपनी आवाज देंगे ऋतिक रोशन, इस बात को ऋतिक के पिता और फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने किया खुद कंफर्म। पति से तलाक के बाद सामंता के पेरेंट्स को नसीहत, कहा शादी की तैयारी की बजाय बेटी को सक्षम बनाए। शालिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से मांगे 75 करोड़ रुपए, लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी का बॉलीवुड में जोरदार स्वागत, अमिताभ बच्चन से कमल हसन तक ने किया ट्वीट। कुछ रंग प्यार के SAP 3 की लीड एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने छोड़ा शो, कहा ये सोनाक्षी बहुत कमजोर है। मंदरा बेदी के पति राज कौशल की आखिरी फिल्म अक्कड़ बक्कड़ की रिलीज डेट सामने आई तो भाविक हुई एक्ट्रेस। राजकुमार राव ने की शाहरुख खान की मिमिक्री, अमिताभ बच्चन ने की एक खास रिक्वेस्ट। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।